स्टोरी की शुरुआत होती है और स्टोरी लाइनर हमें बताता है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम तेनू कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे कल्टीवेटर और वॉरियर्स की किस्मत उनके मार्शल सोल सीड से तय होती है, क्योंकि मार्शल सोल सीड कल्टीवेटर के रियल मार्शल सोल को अवेक करता है, जिस पर अब सीन चेंज होता है। अचानक से दो वॉरियर्स को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। इनकी फाइट देख कर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों को ही लेजेंड वॉरियर्स हो। फाइट करते करते ये वॉरियर क्या है कि आज मैं प्रूव करके रहूंगा कि मेरा फ्लेमिंग ड्रैगन स्वॉर्ड स्टाइल सबसे बेस्ट है। तब इधर के एल्डर क्या है कि सपने देखो, जिस पर अब वापिस इन दोनों के बीच में एक बहुत ही भयानक फाइट होनी शुरू हो जाती है। इस फाइट में अभी दोनों ही अपने बेस्ट और बेस्ट टेक्निक से यूज करते हैं, मगर इनके बीच की शानदार फाइट को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि अंजाम इतनी आसानी से डिसाइड होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में ये रेड वॉरियर अब इस ब्लू वॉरियर को डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। ब्लू वॉरियर भी अब पीछे की ओर हटते हुए इनके सारे अटैकों को डॉच करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर इससे इस रेड वॉरियर को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये ब्लू वॉरियर के ऊपर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अब ब्लू वॉरियर भी कमबैक करते हुए इसे पूरी टक्कर देना शुरू कर देता है, जिस पर अब शानदार फाइट थोड़ी देर और चलती है, मगर अंत में ये ब्लू वॉरियर अपने शॉर्ट अटैक का यूज करते हुए रेड वॉरियर को पीछे धकेल देता है। तब इस अटैक से खुद को संभालते हुए वॉरियर इसी प्लेस से दूसरे साइड के माउंटेन में चला आता है। यहाँ पर ये अब सामने की ओर देखते हुए कहता है कि वो तो तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, जिस पर ये एल्डर अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि मेरे होते हुए तुम अपने मनसूबों में कभी भी कायम नहीं हो सकते। तब इतना कहते हम देखते हैं इनके पीछे स्वॉर्ड के हजारों फॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं, जिस पर अब ये एल्डर बिना कोई देरी के इन सारे अटैक को सीधे दूसरे एल्डर के ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। तब ये रेड एल्डर भी अपने फ्लेम को चारों ओर फैलाते हुए इन सारे अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉच करने लगता है। और यहाँ पे पता चलता है कि दोनों दरअसल इस कॉन्टिनेंट के दो मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड एम्परर्स हैं, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये रेड एम्परर भी अपने पावर से यूज करते इस ब्लू एम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से ब्लू एम्परर भी अब एक धमाके के साथ दूसरे माउंटेन में आके खड़ा हो जाता है। तब ये रेड एम्परर फॉर्म में आते हुए यहाँ पे अपने एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और कहते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, इस तेनू कॉन्टिनेंट में मेरे अलावा कोई दूसरा स्वॉर्ड गॉड नहीं होगा। तब इतना कहते कहते इनका अटैक पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, जिसे बगैर किसी देरी के सीधे ब्लू एल्डर के ऊपर बरसा देते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहते हैं हेल में जाओ मेरे प्यारे दोस्त। तब इनके इतना कहते कहते ये अटैक इस मॉड्यूल के साथ साथ इस ब्लू एल्डर को भी काट देता है, जिसकी वजह से इनका सर और धड़ अलग अलग होकर पानी में गिर जाता है। तब ये रेड एम्परर हंसते हुए कहते हैं चलो तुम्हारा किस्सा खत्म हुआ, अब इस वर्ल्ड में लोग सिर्फ मुझे और मेरे स्वॉर्ड स्टाइल को जानेंगे। जिस पर अब लाइनर दोबारा बताता है कि आज जो हुआ उसे इस कॉन्टिनेंट की पूरी किस्मत ही बदल गई। इस फाइट में स्वॉर्ड का जो आखिरी लेजेंड बचा उसने पूरे कॉन्टिनेंट को एक तरफा ही अपने कदमों में झुका दिया। कई सैकड़ों सालों तक इसका दबदबा पूरे कॉन्टिनेंट में रहा, लेकिन अंत में स्वॉर्ड का ये लेजेंड भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डिसअपीयर हो गया। लोगों का मानना है स्वॉर्ड का वो दूसरा लेजेंड अभी तक मरा नहीं है और इन दोनों लेजेंड्स की राइवलरी अभी भी कंटिन्यू है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हमें हजार सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक प्लेस में एक लड़का एक लड़की को भी टेक्निक सिखा रहा था। थोड़ी देर में ये लड़की अब बहुत ही खुश होती हुई कह रही थैंक यू सो मच मुशेंग, तुम्हारे इस टेक्निक की वजह से मेरे बॉडी का क्यूआई पूरी तरीके से रिफाइन हो गया। जिस पर मुशेंग कहता है कि नो प्रॉब्लम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और टेक्निक है, इसकी हेल्प से तुम्हारे मार्शल सोल सीड को एक पावरफुल मार्शल सोल चूज करने में आसानी होगी। और इतना कह के मुशेंग इस लड़की को ये टेक्निक भी कल्टीवेट करवाने लगता है। तब यहाँ पे स्क्रोल अपेयर होते हुए मुशेंग से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें ये सारी टेक्निक इसलिए सिखाई थी ताकि तुम इसे किसी लड़की को सिखा सको। जिस पर मुशेंग कहता है तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, ये लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि मेरी होने वाली वाइफ है। तब यह स्क्रोल कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बहुत ही जोरों से कटने वाला है। जिस पर फाइनली ये लड़की इस टेक्निक को भी कल्टीवेट कर लेती है और फिर आसमान की ओर देखते हुए कहती है मुशेंग तुम सच में कमाल के हो, तुम्हारे और मेरे बीच में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है, अब बस मुझे कल का इंतजार है कि आखिर मेरा मार्शल सोल क्या होगा। तब मुशेंग इस स्क्रोल से पूछता है कीनो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर इसका मार्शल सोल क्या होगा। जिस पर कीनो कहता है कि मैं अर्थर हेवन का एक हेवनली स्क्रोल हूँ, मैं तुम्हारे लिए टूसी हरकतें नहीं करने वाला। जिस पर मुशेंग कहता है प्लीज मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज खिलाऊंगा। तब कीनो बहुत ही खुश होती है कहता है तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, और ये कहकर कीनो अब इस लड़की के मार्शल सोल को प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। तब मुशेंग पूछता है कि बताओ बताओ आखिर इसका होने वाला मार्शल सोल क्या है। जिस पर कीनो बताता है कि रेड ड्रैगन स्वॉर्ड एम्परर का स्वॉर्ड सोल वो भी चौथे स्टार का, जिसे सुनिए मुशेंग बहुत ही खुश होती है कहता है कि क्या बात है इसे एक स्वॉर्ड सोल मिलने वाला है, जनरली सारे कल्टीवेटर को फोर स्टार के स्वॉर्ड सोल मिलते हैं। तब ये लड़की अभी इसकी ओर मुड़ते हुए कहती है मुशेंग आखिर तुम अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो। जिस पर मुशेंग कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। और फिर मुशेंग आगे बताते हुए कहता है कि इस कॉन्टिनेंट में टोटल 6 टाइप के मास्टर सोल होते हैं, जिसमें से सबसे रेयर ब्लू ड्रैगन एम्परर और रेड ड्रैगन एम्परर का स्वॉर्ड सोल है। मुझे यकीन है कि मेरा भी मास्टर सोल एक स्वॉर्ड सोल ही होगा।
तभी लड़की अब आसमान की ओर देखते हुए क्या देखी, मैं बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहती हूँ। जिस पर मूशेंग भी अब खड़े होते हुए क्या देखी, उनकी तरह तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन रेड ड्रैगन सोड में प्रबल पाना इतना भी आसान नहीं है। तब खीनो क्या देखी उसकी छोड़ो और अपनी देखो, अगर कल तुम्हारा मार्शल सोल एक शॉर्ट सोल नहीं निकला तो फिर भूल जाना कि मैं तुम्हें यह हेवली टेक्निक सिखाऊंगा। तब मुझे क्या था कि टेंशन मत लो, मेरा मार्शल सोल एक स्वॉर्ड ही होगा, क्योंकि पावर के मामले में इन दोनों लेजेंडरी एम्प्रेस का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। और अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस सिटी के बीचों बीच में टॉप मेजर फैमिलीज के लिए सोलो विकनिंग प्रोग्राम को रखा गया था। लोगों ने यह देखने के लिए कि आखिर इन टॉप 4 मेजर फैमिलीज में से किसके पास ट्रू जीनियस है, भीड़ लगा के चारों ओर से सिटी को घेर रखा था। जिस पर अभी एल्डर अपने बगल वाले एल्डर से कह रहे हैं, पैट्रिस सॉन्ग आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, यकीनन उसका मार्शल सोल तो एक स्वॉर्ड ही होगा। तब पैट्रिस सॉन्ग कह रहे हैं, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कहूंगा, बस इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी टैलेंटेड है। तब यहाँ पे अब मूशेंग और ये लड़की भी आ जाती है, जिसे देखते हुए ये एल्डर कह रहा है, क्या यही आपका होने वाला सनी लॉ है? तब पैट्रिस सॉन्ग कह रहे हैं, इस लड़के के फादर और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब हम दोनों के बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम इनकी शादी एक दूसरे से ही करवा देंगे। अफसोस इस कॉन्ट्रैक्ट के बंदे इसके माता पिता चल बसे, तब ये सिर्फ 3 साल का था। इसके अमेजिंग टैलेंट को देखकर मैं इसे यहाँ ले आया, क्योंकि अगर ये पावरफुल होगा तो इससे फायदा मेरी बेटी को ही होगा। तब ये बगल वाले एल्डर कह रहे हैं, पैट्रिस सॉन्ग इतना भी खुश मत हो जा, मेरे भी मोशन फैमिली में जीनियस की कोई भी कमी नहीं है। जिस पर इधर मोशन फैमिली के इस लड़के को देखते हैं जो अपने सोल को अवेक कर रहा था। इसका मार्शल सोल एक 4-स्टार स्पीड यानी फावड़ा होता है, जिसे देखे एल्डर अब मुंह बनाते हुए कह रहे, धत्तरी की ये तो यूजलेस निकला। तब यहाँ पे अब भरपूर जीवन से शादी दूसरा डिसाइपल आ जाता है, जिसे देखते हुए एल्डर कह रहे, देखो असली जीनियस किसे कहते हैं, मेरे लिंगवा फैमिली में मेरे पापा के बाद अगर कोई दूसरा जीनियस आए तो वो यही है। तब ये लड़का भी अपने मार्शल सोल को अवेक करना शुरू कर देता है, जो कि एक 1.X यानी कुल्हाड़ी का सोल था, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही शौक होते हुए कह देगी, नहीं नहीं पापा, इतने तो यूजलेस नहीं थे, इस गधे की वजह से आज मेरे पापा की भी नाक कटवा दी। तब ये मास्टर विनाश करते हुए कह देगी, मिस योंग मिंगायो अब आपकी बारी है। जिस पर मिंगायो भी अब सीधे जाके सोल अवेकनिंग स्टोन के पास खड़ी हो जाती है। तब यहाँ पे अवेकनिंग से रिलीज होती है और मिंगायो के हाथ में उसका मास्टर सोल अपेयर होना शुरू हो जाता है, जो कि एक 4-स्टार रेड ड्रैगन एम्परर का स्वॉर्ड सोल था, जिसे देखे पैट्रिस सॉन्ग बहुत ही हंसते हुए कह दी, देखा मैंने कहा था मेरी बेटी टैलेंटेड है। तब मिंगायो भी अब बहुत ही खुश होते हुए कह दी, फाइनली मेरा जो सपना था मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। तब सारे लोग ये कहने लगते हैं कि वाकई में सॉन्ग फैमिली की लड़की तो जीनियस है। जिस पर अब मूशेंग अपने सोल का अवेक करने के लिए आगे जाने लगता है, तब मिंगायो इसे ऑल द बेस्ट कहती है, जिस पर मूशेंग भी अब इस प्लेस में आके खड़ा हो जाता है। तब इधर हम देखते हैं कि मूशेंग मार्शल सोल देखने के लिए यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है, जिस पर अब जैसे प्रोसेस शुरू होता है तो इस पर कुछ अलग होता है। इस स्टोन से एक बॉडी पावरफुल एनर्जी के साथ एक रेड ड्रैगन मूशेंग के चारों ओर आके घूमने लगता है, जो कि रेड ड्रैगन एम्परर की स्पिरिचुअल अपीयरेंस को डिनोट कर रहा था। ये मास्टर भी अब बॉडी शॉक होते हुए क्या देखिए, ऐसा तो कई सालों से नहीं हुआ, लगता है ये लड़का कम से कम 5+ स्टार वाले सोल को अवेक करेगा। तब देखते देखते मूशेंग का भी मार्शल सोल अपेयर हो जाता है, जो कि एक 9-स्टार रेड ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड सोल था। एक 9-स्टार स्वॉर्ड सोल को देखते सारे एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पिछले 1000 सालों से आज तक कोई भी एक 9-स्टार स्वॉर्ड सोल को अवेक नहीं कर पाया था। तब पैट्रिस सॉन्ग तो खुशी के मारे फूले न समाते हुए कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में, मेरा दामाद जिंदाबाद। जिस पर मैगी भी बहुत ही खुश होती हुई कहती कि क्या बात है, मैं जिससे शादी करूंगी उसके पास ही 9-स्टार मार्शल सोल है, यकीन नहीं हो रहा कि मूशेंग मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। तब मूशेंग अपने इस मार्शल सोल को देखते हुए कहता है कि अब लोगों को यह बताने का टाइम आ चुका है कि मेरी बॉडी में डबल मार्शल सोल सीड है, यानी मैं एक और मार्शल सोल को अवेक कर सकता हूँ। और ये कि अगर मूशेंग अपने दूसरे हाथ को ऊपर की ओर करते हुए इसके भी पावर से स्टोन में डालने लगता है। तब ऐसा करते यहाँ पे एक धमाकेदार एनर्जी के साथ ब्लू ड्रैगन भी अपेयर हो जाता है, जो अपेयर होते बिल्कुल रेड ड्रैगन की तरह मूशेंग के चारों ओर घूमने लगता है। तब इस नजारे को देखकर लोग बहुत ही शौक होते हुए कह रहे, देखो इसने तो दो दो मार्शल सोल को अवेक कर दिया, लेकिन एक पर्सन के पास ये दोनों सोल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि रेड ड्रैगन एम्परर और ब्लू ड्रैगन एम्परर तो जानी दुश्मन है। जिस पर पैट्रिस सॉन्ग कह रहे कि अधूरा बस ये देखना बाकी है कि ये वाला सोल कितने स्टार का मार्शल सोल है। तब इधर मूशेंग के हाथ में इसका दूसरा मार्शल सोल भी अपेयर होना शुरू हो जाता है, जो कि ये भी 9-स्टार ब्लू ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड सोल था, जिसे देखते इधर के लोग बहुत ही शौक होते हैं कि देखिए आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है। ऐसा तो कभी हिस्ट्री में भी नहीं हुआ कि किसी के पास दो दो मार्शल सोल है वो भी स्वॉर्ड के। तब मूशेंग बहुत ही जोर हंसते हुए कह रहा था कि मेरे पास डबल मार्शल सोल है और दोनों ही रेयर है, अब इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे क्रॉस कर सके। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब आप लोग बताइए कि सीरीज आप लोगों को कैसी लगी।